टेस्ट बहुत अच्छे से गया होगा एंड मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और बेटर इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे हर बार से। मेरा कुछ सजेशन होगा अपने बच्चों के लिए कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे मार्क्स कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन, चलते रहता है, दिस इज द लाइफ, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें ये ट्राई करना है कि हम हर टेस्ट में अपने आप को बेहतर इम्प्रूवमेंट करें ताकि हमारे मार्क्स और अच्छे से डेवलप हो, ताकि मेन हमारा एग्जाम कौन सा है, नीट एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज्यादा करना है, ठीक है। तो फिर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हर टेस्ट में अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहिए, भले आप 2 मार्क्स से इम्प्रूव करिए, 5 मार्क्स से इम्प्रूव करिए, बट इम्प्रूव करिए, ठीक है। नाउ चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W ऑफ फोर सॉल्यूशन डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, m into 10 into परसेंटेज W/W into d/ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने आपको दिया हुआ था, ये फॉर्मूला आपको मैंने दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग ये जो होगा 10 × 9.8 × 2 × 1.02, सॉरी 1.02 डिवाइडेड बाय 98, तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है, ये आती है, ये जो वैल्यू आएगी 1.02 के बराबर आएगी, कितना आएगी 1.02, मतलब इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका, द कंसंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस व्हेन इक्वल मोल्स ऑफ AgNO3 एंड NaCl आर मिक्स, ठीक है। तो देखो NO3 माइनस AgNO3 में, AgNO3 में Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा ये, तो अगर ये 0.1 है तो ये भी 0.1 और ये भी 0.1, मतलब इनिशियली आपके पास नाइट्रेट आयन का जो कंसंट्रेशन था वो 0.1 मोलर था, लेकिन जैसे ही आप और वॉल्यूम बढ़ा दोगे उतना ही, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है, 0.05 ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोला, सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 10% बाय वॉल्यूम, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन इथेनॉल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का दिया हुआ है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ प्योर इथेनॉल एंड हैव डेंसिटी ऑफ 0.96 ग्राम एंड 0.785 ग्राम, तो व्हाट इज द परसेंट बाय मास, तो देखो मुझे क्या है, प्योर इथेनॉल का वाटर में उसने दिया हुआ 10% बाय वॉल्यूम, उसको निकालने उसने क्या बोला है, उसने निकालने बोला परसेंट वेट, तो क्या करूंगा मैं, मुझे पता फॉर्मूला क्या है, परसेंट डब्ल्यू बाय बी इज इक्वल टू परसेंट सॉरी परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाय बी इनटू डेंसिटी, ओके सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू परसेंट डब्ल्यू बाय बी इज इक्वल टू सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट जस्ट होल्ड अ सेकंड, उसने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, तो परसेंट बाय मास मुझे निकालना, ओके नो इशू, मतलब वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ, 10 ml दिया हुआ इथेनॉल का, डेंसिटी आप कौन सा यूज करोगे, एक बार आपको मास पता चल गया उसको 100 से डिवाइड करो, यू विल गेट द डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यहाँ पे दो डेंसिटी, एक सॉल्यूशन का दिया और एक प्योर इथेनॉल का दिया, तो आप किसकी डेंसिटी बेटा यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्योर इथेनॉल की डेंसिटी यूज करेंगे, क्योंकि मुझे निकालना किसका मास है, इथेनॉल का मास, तो व्हाट इज द मास, तो 10 × 0.785 और इसे को 100 से डिवाइड कर दो तो ये परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू आंसर होगा, तो ये जो आंसर आता है ये आता है मेरे हिसाब से 7.85%, 7. approximately 7.95% आएगा approximately, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग द टेंपरेचर इन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, देखो अगर टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है, वॉल्यूम घटेगा तो मोलरिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो डिक्रीज इन मोलरिटी घट जाएगी, राइट, जैसे हम क्या, हालांकि मोलरिटी तो घट जाएगी क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो कंसंट्रेशन टर्म मेरे वॉल्यूम बेस्ड होते हैं वो ही उन वो टेम्परेचर के साथ क्या करते हैं, चेंज कर जाते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का ए हो जाएगा, ठीक है, इज देयर डाउट, ठीक है, फिफ्थ का आंसर क्या होगा आपका, मोलरिटी ऑफ
मोलालिटी ऑफ 40% डब्ल्यू एन एव एच डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है। मोलालिटी आपको निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, 4 का तो ए ऑप्शन होगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर मोलालिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नाउ अगर मैं इसकी बात करता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन में, तो उसने 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया हुआ है, तो मतलब वेट ऑफ एनएमएच कितना हो जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ एनएमएच मेरे पास हो जाएगा 40 ग्राम। नाउ मोल्स ऑफ एनएमएच कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ एनएमएच हो जाएगा मेरे पास 40 बाय 40, तो दैट्स नथिंग बट 1, ठीक है। उसे मोलालिटी पूछा मतलब स्मॉल एम, तो 1 डिवाइडेड बाय 60 मतलब मोल्स पर केजी सॉल्वेंट, तो केजी में नहीं होगी ग्राम में, तो इसको 1000 से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई, तो 1000 बाय 60, तो दैट्स नथिंग बट 16.66 ऑप्शन आंसर है भैया। तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर है, ठीक है। मोलालिटी ऑफ द कंसंट्रेटेड HCl इफ डेंसिटी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोनस मार्क्स मिलेगा क्योंकि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ठीक है। आप 4 मार्क्स ऐड कर सकते हो प्लस 4 इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन था ये, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा 5 ml ऑफ 1n सॉल्यूशन HCl, 20 ml ऑफ n बाय 2 H2SO4, 30 ml ऑफ n बाय 3 आर मिक्स टुगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर, ओके द नॉर्मल नॉर्मलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो कुछ नहीं था, इसको भी क्या करना था, nv बराबर क्या करना था, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3, तो n रिजल्टेंट निकाल, जैसे हम मोलरिटी में दिए, थोड़ा आपको दिमाग लगाना था, ये ट्विस्टेड क्वेश्चन था, हालांकि आपको सोचो नॉर्मलिटी, बट मोलरिटी और नॉर्मलिटी में फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन में सेम ही रहता है, जब आप किसी सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 बाय टोटल वॉल्यूम, यहां पे भी सेम है। तो n1 v1 आपको कितना दिया हुआ, 5 * 1 ठीक है, n2 v2 कितना दिया हुआ है, 20 * n / 2 20 * 1 / 2 ठीक है, प्लस 30 इंटू 1 बाय 3, इसको आप डिवाइड कर दीजिए आप कितने से, 1000 से, ठीक है। और नाउ यू विल गेट योर आंसर 10 10, तो ये हो जाएगा 25 बाय 1000, तो दैट्स नथिंग बट n बाय 40। आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मोलरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ वाटर, देखो वेट ऑफ वाटर उसने दिया हुआ कितना, 900 ग्राम, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 900 बाय 18, तो दैट्स नथिंग बट 50, ठीक है। उसने क्या पूछा है, मोलरिटी पूछी है, क्या पूछी है, मोलरिटी, तो कैपिटल एम बराबर क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 900 इनटू 1000, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द, व्हाट इज द वॉल्यूम, मुझे पता है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसका मतलब वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी 1 है, अगर डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी 1 है, तो इसका मतलब ये होगा क्या, W इक्वल टू वॉल्यूम लिख सकता हूं, मतलब जो वेट होगा वही उसका क्या होगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मोल्स निकाल लिया मैंने यहां से, और वॉल्यूम कितना दिया आपको, 900 ग्राम मतलब 900 ml, इसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर आंसर। तो इसको जो होगा मेरे हिसाब से 55.5 होगा, ये अप्रॉक्सिमेटली जाता है 55.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद भी रखिएगा, ठीक है। प्योर वाटर का ही कंसंट्रेशन भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 9 नंबर की अगर मैं बात करता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ 10^-2 एम एन ए टू सी ओ थ्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी विल बी, अच्छा डेंसिटी दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, मोलरिटी पूछा, ठीक है। मोलरिटी उसने दिया हुआ है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 10^-2, ठीक है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 10^-2 एम ऑफ Na2CO3, मैंने आपको वही बोला, तो वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Na2CO3 उससे हो जाएगा 106 × 10^-2, दैट्स नथिंग बट 1.06। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम तो हम कितना लेंगे, 1000, क्योंकि मोलरिटी हमेशा हम 1 लीटर में निकालते हैं, इसलिए वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, 1000 दिया हुआ है, डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ, 1.1, तो मतलब ये हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1100 माइनस 1.06, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये जो आता है 1098.4 1098.94 ये हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1.09894 केजी,
ये हो जाएगा ठीक है। तो मोलालिटी मतलब स्मॉल एम हो जाएगा आपका, मोल्स कितने थे 10^-, ये तो चेंज ही नहीं करेंगे। वेट ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा 1098, तो दैट अप्रोक्सीमेटली ये कितना जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली जाता है 10^9 × 10^-3, अप्रोक्सीमेटली मोलालिटी इतना आएगा ठीक है। तो दिस इज योर आंसर 9 × 10^-3, ऑप्शन ए करेक्ट है। इन विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट, अगेन सेम वॉल्यूम वाले डिपेंडेंट रहेगा, मास वाले इंडिपेंडेंट रहेगा। मोलैलिटी नॉर्मलिटी मोलैलिटी और मोलैलिटी नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, ये तीनों क्या होते हैं, वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब मोलैलिटी इज द करेक्ट आंसर, 10 का 4 हो जाएगा ऑप्शन, 10 का D ऑप्शन। 11 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, 11 नंबर में डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन इज इतना, द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। देखो तो मेरे हिसाब से ना इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाया गया है। आपको मोलिटी दिया हुआ है XB/XA × 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला दिया था। मोलिटी आपको 3 दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब आप क्या मान लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, तो 1 - x कर लेता हूं मैं, इसको सॉल्वेंट की जगह मैं 1 - x कर देता × 1000 सॉल्वेंट। अब क्या लोगे, जब कुछ ना दिया जाए तो मैंने आपको हमेशा बोला वाटर माना जैसे सॉल्वेंट, तो जब यहाँ से आप एक्स इस फॉर्मूले से जब आप एक्स कैलकुलेट करते हो तो ये जो अप्रोक्सीमेटली आता है 0.051 आता है, 0.051, तो दिस विल बी योर आंसर ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ए स्टूडेंट हैज 100 ml ऑफ 0.1 ml कैल्शियम सॉल्यूशन, टू मेक इट 0.2 ml इट हैज टू इवेपोरेट। ऑब्वियस है वॉल्यूम अगर 50 ml में घटा दूंगा तो 0.1 से कहाँ चला जाएगा, 0.2 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाय एडिंग 0.01 मोल। तो ये गलत हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ 0.1 बोलता था तो आंसर मेरा 0.2 होता था। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास मोल कितने, 0.1 मोल है, कितने में, 100 ml में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 0.11, हाँ 0.1 100 ml में, तो 1 लीटर में कितने पास हो जाएंगे, आपके पास 1 मोल है, सॉरी आपके पास 1 मोल है, तो आपको 1 मोल और ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट 0.2 मोलर कंसंट्रेशन इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसका मतलब ऑप्शन ओनली ए, 12 का ऑप्शन ए होगा, सिर्फ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंपाउंड कंटेन 8% सल्फर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, बहुत आसान है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कराया है, मिनिमम 8% सल्फर का दिया हुआ है, कम से कम मिनिमम होने के लिए एक तो होना चाहिए। लेट एम में 32, मतलब एम किसी कंपाउंड का मोलर मास है मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसमें कम से कम एक सल्फर है तभी तो मिनिमम मोलिकुलर मास का कांसेप्ट आता है, इनटू 100 से कर दीजिए तो एम यहां पे आएगा 400 ठीक है। तो 13 का मेरा आंसर हुआ 400। चलो नाउ मोलालिटी ऑफ 40% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ 40% बाय मास ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, बहुत आसान है। 40 नंबर को मैं क्या करूंगा, मोलालिटी मतलब वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ, 40 दिया हुआ है, इसका मतलब मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा, मतलब 2/3 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है मोलालिटी पूछा है, मतलब यहाँ पे स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 / 60 × 1000, तो दिस इज योर आंसर। तो ये जो आंसर आता है ये अप्रोक्सीमेटली आता है आई थिंक 0.11 आएगा मेरे हिसाब से आंसर, शायद 11.11 राइट, हाँ 11.11 ठीक है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 15 नंबर। 15 नंबर के बाद एन एक्वस सॉल्यूशन हैज अ मोलालिटी 11.11, अगेन मोलालिटी आपको दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स भी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है। यहां पे आपको डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, डायरेक्ट फार्मूला पुट करिएगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा और इसका जो आंसर आता है वो आता है 0.167, यहां पे आप पुट करिएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 0.167। तो आई थिंक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें तो कोई झगड़ाने की कोई बात ही नहीं थी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से थोड़ा मैंने लेवल अच्छा बढ़ा दिया था ठीक है, आई होप तो बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम फिर से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स वेट 6.61 इतना ग्राम, तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन 20 kg। देखो सिंपल सा कांसेप्ट क्या था, आपको एक एटम का वेट दिया था, आपको एक एटम का वेट दिया तो वहां से आप एटॉमिक वेट निकाल सकते हो। पूछो कैसे, क्योंकि एटॉमिक वेट का कांसेप्ट क्या होता है, मतलब ये होता है कि एटॉमिक वेट किसी का दिया, इसका मतलब वो दिया 6 × 10⁰³ एटम का वेट है। यहां पे एक एटम का वेट आपको पता है, इसका मतलब मैं 16 नंबर से बात करूं तो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट आप क्या करोगे, 6 × 10⁰³ को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6.643, वन एटम के वेट से 6.643 × 10⁻², तो ये अप्रोक्सीमेटली जो एटॉमिक वेट आता है 40 आता है, कितना आता है 40 आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 20 × 10³ ग्राम में है, और ये भी ग्राम में है, मतलब 0.5 × 10�³, ये मेरे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मतलब 500 कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। क्वेश्चन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 17 नंबर क्या बोल रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट ए इज इतना, एक एटम का अगेन एलिमेंट का वेट इतना दिया, हाउ मेनी एटम्स आर इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट ए। रिवर्स करना था भैया, मतलब समझो वन एटम का वेट, मतलब वन एटम ऑफ ए किसका कितना वेट आ रहा है, 3.98 5 4 10⁻²³ ग्राम, इसका मतलब 3.98 5 4 × 10⁻²³ ग्राम में कितने एटम है, एक एटम है, एक एटम ऑफ ए, इसका मतलब 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में डिवाइड कर दो 1/3.98 5 4 10⁻²³, तो ये हो जाएगा मेरा, ये जो ऑप्शन होता है ये अप्रोक्सीमेटली आता है 2.5 × 10⁻²⁰ - 20 + 22, तो ये कोई भी आंसर नहीं है 17 का बी, नन ऑफ दिस होगा ये ऑप्शन, ठीक है। हाँ 18 नंबर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, जिसका देखो पहले नंबर ऑफ एटम को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करो, पहले में दो हाइड्रोजन है, मोल कितने हैं 5, तो 5 × 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है मेरे 8, 8.8 हो जाएगा। तीसरे वाले में 1.5 × 8 इसमें 10 ग्राम होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में तो 10 मोल से इसका मतलब 10 ग्राम होगा, दूसरे में 8.8 मोल से तो 8.8 ग्राम होगा, तीसरे वाले में है 1.5 × 8, तो ये अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम होगा, और फोर्थ वाले में ऑप्शन डी है, मतलब 16 ग्राम, तो ऑब्वियस बात है फोर्थ ऑप्शन में वेट सबसे ज्यादा होगा। तो आई होप से ये छोटे क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे, ठीक है। व्हाट हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इनमें से किसका ऑक्सीजन एटम सबसे कम होगा, तो जिसमें जिसके मोल सबसे कम होंगे, सिंपल सी भाषा में जिसके मोल सबसे कम है उसका एटम भी सबसे कम होगा, तो ये मेरे हिसाब से 19 का डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन होगा ये 19 का, ठीक है। तो ये आई थिंक कर लोगे, सबके काम करना पहले मोल्स निकालना, सब में नंबर ऑफ एटम चेक कर लेना एटम से मल्टीप्लाई करके, जिसका जो कम होगा वो आंसर होगा, तो 19 नंबर तो आसान है मेरे हिसाब से, ठीक है। स्टिल यू हैव डाउट देन यू कैन पर्सनली आस्क मी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग, ठीक है, फ्रॉम 1 to 4 इन द इंक्रीजिंग, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास, ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया मास में, ठीक है। तो पहला इसमें जो दे रहा है 0.5 मोल ऑफ O3, मतलब कितना हो जाएगा 1/2 × 48, तो 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये इसका वेट हो जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। नाउ 0.5 ग्राम, सेकंड क्या बोल रहा है, 0.5 ग्राम एटम, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सिर्फ O, मतलब कितना हो जाएगा 0.5 × 16, मतलब 8 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या बोल रहा है, ऑप्शन 3 आपको बोल रहा है 3.011 10⁻²³ मॉलिक्यूल,
मतलब मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, 3.011 10^23 को डिवाइड कर दूंगा मैं NS और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, 32 से, तो ये आपको क्या दे देगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है 16 ग्राम आती है, कितनी आती है 16 ग्राम आती है, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका जो आएगा, फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 5.6 लीटर, मतलब अगेन वेट ऑफ CO2 को मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट पहले मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स कितने हो जाएंगे 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 इनटू 44, तो ये एप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है, अच्छा इसमें मोल्स तो 2 है ना, ओके ये तो सिर्फ वेट ऑफ CO2 आया, ठीक है, मुझे मास मास ही निकालना था ना, तो ये जो एप्रोक्सीमेटली आंसर आता है ये आता है 11 ग्राम, कितना आता है 11 ग्राम। तो सबसे ज्यादा किसका आंसर सबसे ज्यादा बड़ा है, 1, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 2, तो ऑप्शन कौन सा है, इसका जो ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से ए, राइट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ 21 भी और आसान है बेटा, कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं कि 21 में भी, 21 क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर इज इतना ml, ठीक है, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन टू ड्रॉप, ठीक है, चलो टोटल टोटल वेट ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर का टोटल वेट, क्योंकि डेंसिटी 1 होती है तो जितना वॉल्यूम उतना ही मास होगा, मतलब 0.0018 ग्राम इनटू 2, मतलब 0.0036 ग्राम, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 0.0036 बाय 18, मतलब 2 इंटू 10^-4। उसने क्या पूछा मेरे से, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के लिए आप क्या करोगे, 2 × 10^-4 × 6 × 10^23, तो ये जो 12 × 10^9, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 क्या बोला, इट इज द नोन दैट द एटम कंटेन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, सही बात है, किसी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं, इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन अज्यूम टू द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, वेयर एज दैट प्रोटॉन इज अज्यूम टू इज टू बी ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन द एटॉमिक मास ऑफ सी 14 सी, देखो ओरिजिनल की बात कर रहा हूं मैं, ओरिजिनल में सी 14 और सी, इसमें प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे मेरे, न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 8, और जो सेकंड ऑप्शन मतलब जो बाद वाला जो दिया होगा ये ओरिजिनल में इतना था, अब क्या बोल रहे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है मेरा वो मान लो ट्वाइस है, वो क्या बोले, वेयर इज दैट प्रोटॉन इज अज्यूम टू बी ट्वाइस, मतलब अब प्रोटॉन कितना हो जाएगा 12, 12 प्रोटॉन हो जाएगा और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा मेरा 12, ये हुआ ठीक है, 12 प्रोटॉन हो गया और 12 ये हो गया ना, देखना 12 ये हो गया, और न्यूट्रॉन कितना है मेरा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो मेरा 8 ही माना, मास को छोड़ दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसने कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, उसने बस बोला मास ऑफ न्यूट्रॉन हाफ हो गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन डबल हो गया, तो मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगेन मेरा कितना है 8 है, ठीक है, तो एटॉमिक मास अब कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा 12 + 8, ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, अच्छा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोटॉन 12 हो गया, प्रोटॉन कितने हो गए 12 हो गया, ठीक है, एंड ये प्रोटॉन हो गया C14 और C6 में, अगेन न्यूट्रॉन मेरा कितना हो जाएगा 14 में से 8, न्यूट्रॉन मेरे पास कितना हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, तो ये जो न्यूट्रॉन होगा मेरा अब यहाँ पे 8 हो जाएगा ये, ठीक है 12 में से 8 जाएगा 6, 1 मिनट, एक मिनट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, हाँ ओके ओके जस्ट लेट्स डू अगेन, क्या बोला इनिशियली C14 C6 था, प्रोटॉन आपके पास 6 है, न्यूट्रॉन आपके पास कितना है
8 है। तो अब प्रोटॉन आपके पास कितना हो गया, डबल बोला, प्रोटॉन डबल हो गया मतलब 12 हो गए, ठीक है, 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास 12 हो गए हैं। न्यूट्रॉन आपके पास अगेन अभी भी कितना है, 8 है, न्यूट्रॉन कितना है, 8 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे एटॉमिक मास निकालना होता है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एटॉमिक मास निकालने के लिए मैं करूंगा, एटॉमिक मास क्या होगा, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओके, यहाँ पे प्रोटॉन एटॉमिक मास था, न्यूट्रॉन इतना था, यहाँ पे जो होगा प्रोटॉन 12 प्लस न्यूट्रॉन 4, मतलब 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो ये हो जाएगा 16, ओके, नाउ 16 इज द एटॉमिक मास, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा 16 माइनस 14 बाय 14, मतलब 14.0 समथिंग इंक्रीज हो गया मास मेरा। देखो ये 4 मैंने क्यों ऐड किया, 12 माइनस 8, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन आपको क्या देगा, नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन देगा मेरा, नए वाले में नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन देगा, तो शायद यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये हो गया आधा, क्यों हो गया, देखो उसने क्या बोला, देखो सॉरी माय मिस्टेक, एक मैंने गलती कर दी, प्रोटॉन को मैंने डबल कर दिया ठीक है, लेकिन उसने सेकंड वाले में क्या बोला, न्यूट्रॉन भी हाफ हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, चार, मास ऑफ न्यूट्रॉन आधा हो रहा है, मतलब सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, सॉरी माय मिस्टेक, मास ऑफ न्यूट्रॉन हाफ हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होंगे, हाफ होंगे, तो इनिशियली 8 थे, बाद में कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए, इसका मतलब 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16, तो आपको ये परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज कितना हुआ, टोटल ओरिजिनल वैल्यू से सबट्रैक्ट कर, वो कर दीजिए, इनटू 100, ये अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट ये आ जाता है, 14.28, 14.28% इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, थोड़ा वैसा हो गया था कंफ्यूजन, ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर नाउ, मास ऑफ प्रोटॉन डबल कर दिया तो 12 हो गया, न्यूट्रॉन जो पहले था उसका आधा हो गया तो 4, तो एटॉमिक मास आपका कितना हो गया 16, तो वही पूछा कि भाई इंक्रीज कितना हो गया एटॉमिक मास, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ सी वाटर कंटेन 8.775% NaCl बाय मास, द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट यूनिट्स इन NaCl प्रेजेंट इन 25 ग्राम ऑफ सी सॉल्ट, ठीक है, तो वेट ऑफ NaCl को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ NaCl को मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास 25 दिया हुआ है, सी सॉल्ट का 25 ग्राम ही दिया, लेकिन उसमें NaCl कितना प्रेजेंट है, इसका 8.775 बाय 100, तो दिस इज द एक्चुअल वेट ऑफ NaCl, ये सी सॉल्ट है और उसमें NaCl कितना है, तो 8.775% ही है इसका, तो ये जो वेट ऑफ NaCl आता है ये एप्रोक्सीमेटली आता है 2.193, तो मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा 2.193 डिवाइडेड बाय 58.5, तो ये जो एप्रोक्सीमेटली मोल्स ऑफ NaCl होगा ये हो जाएगा व्हाटएवर, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए N से, तो यही आपके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो ये जो हो जाएगा 2.25 10 रेस टू 22, ठीक है, 2.25 10 रेस टू 22, तो 23 का आंसर कितना होता है मेरे हिसाब से 2.25, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे समझ में आया, मैंने वेट ऑफ NaCl निकाला, वहां से मोल्स निकाला, उससे N से मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके कितने होंगे, ठीक है, उसका मतलब ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज व्हिच हैज अ मॉलिक्यूलर मास, मुझे लगता है तो क्वेश्चन कर लिया होगा बहुत वाला लोगों ने, ठीक है, 24 में पूछा गया है, मतलब वेट दिया हुआ है, तो वेट से आप मोल्स निकाल लो, मोल्स बराबर हो जाएगा 25.6 डिवाइडेड बाय 25.6 डिवाइडेड बाय 342.3, ठीक है, तो मॉलिक्यूल बराबर कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा 25.6 डिवाइडेड बाय 34.2 into 6 into 10 raise to 23, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन को ये मान लो जो भी वैल्यू आई है, सपोज करिए पूरी वैल्यू x आई, तो x को आप मल्टीप्लाई कर दो, कितने हाइड्रोजन एटम आपके पास है 22 से, यू में मैं आपको भी डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आ जाएगा 9.91, मतलब
9.91 into 10 raised to 22, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 1.91 10^24 ठीक है. मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में कितने एटम हैं. लेट मैं एक्स मानता हूँ, जिन एक नाइट्रोजन का एटम 14 होता था, ऐसे कितने मैं एक्स मानो कैफीन में, तो इसका मास इनटू 100, ये जो परसेंटेज है ये किसके बराबर है, 28.19 के. जैसे सपोज करो एक कैफीन में कितने माना मैंने, एक्स माना, ठीक है, एक कैफीन के मॉलिक्यूल में एक्स एक्स एटम है नाइट्रोजन के, उस नाइट्रोजन का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 14 इनटू एक्स, और किसमें वन टोटल वेट में से इतना वेट, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकलेगा. यहां से जब आप एक्स की कैलकुलेट वैल्यू कैलकुलेट करो तो आंसर आपका 4 आता है. कितना आता है, 4, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो देखो ये आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है ये. ठीक है, तो देखो मुझे बताया कि क्वेश्चन नंबर 28 इसकी बात कर रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फेरिक एलम
ठीक है, ये एफआरई कैलम का फॉर्मूला, ये कैन बी मेड फ्रॉम सैंपल ऑफ कंटेनिंग 0.050056 ग्राम ऑफ एच। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 28 में मोल्स ऑफ एफ निकाल लेता हूँ। किसका निकाल लेता हूँ, 56 इनटू 10 रेस टू माइनस 4, हाँ 56 इनटू 10 रेस टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 56, तो इतने 10 रेस टू माइनस 4 मोल्स आपके पास है। उसने पूछा कि इतने मोल आप इतने ग्राम से कितने फेरिक एलम के बना सकते। तो अगर स्टैंडर्ड वाइज बोलूं तो देखो, फॉर्मूले में एफी के कितने एटम दिए, दो एटम दिए, मतलब दो एफी के मोल, दो एफी मोल कितने एलम बनाता है, वन एलम बनाता है, कितना बनाता है, वन। तो वन एफी का मोल कितना बनाएगा, 1/2, तो 10^-4 एफी के कितना बनाएगा, 1/2 इंटू 10^-4, मतलब 0.5 इंटू 10^-4। क्या ये आंसर है मेरा? राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सपोज क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इजी, ये भी आसान था। सपोज एलिमेंट एक्स एंड वाई कंपाउंड बिफोर टू कंपाउंड, ठीक है, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई टू वाई कंबाइन करता है तो एक्स वाई टू बनाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला, 0.1 मोल ऑफ फॉर्मर वेट 10 ग्राम एंड 0.05 मोल ऑफ लेटर वेट 9 ग्राम, व्हाट आर द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, कहने का मतलब है 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू का वेट कितना आ रहा है, ये वेट आ रहा है उसका 10 ग्राम, कितना 10 ग्राम, तो 1 मोल का कितना आएगा, 1 मोल ऑफ एक्स वाई टू का वेट आ जाएगा मेरा कितना, 10/0.1, मतलब 100 ग्राम। इसका मतलब एक्स वाई टू का मॉलिकुलर वेट 100 है, 1 मोल ऑफ एक्स वाई टू का वेट का 100 ग्राम, और इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स वाई टू कितना है, 100 है, तो x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ठीक है, पहले इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन कैसा बनेगा, x 2 3x प्लस x 3 2y ना, 2y ये कंबाइन कितना कर देता है, x 3 y 2। और यहां पे क्या बोल रहा है कि भैया 0.05 मोल ऑफ xy 3 का वेट, दी x 2 y 3 का वेट दिया हुआ है 9 ग्राम, कितना दिया हुआ है 9 ग्राम, लेकिन अब 1 मोल की बात करो तो 1 मोल की बात होगा 9/0.05, मतलब 10^2, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 180 ग्राम, मतलब ये होगा 2x plus 3y tends to कितना दिया हुआ 180 ग्राम, और सेकंड इक्वेशन है x plus 2y tends to 100 ग्राम, सबट्रैक्ट सबट्रैक्ट कर दो, 2x plus 2y x plus तो सॉरी 2y है ना, तो 2y 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाता है, पुश कर दो ठीक है, x plus 2y 3x है ये, 3x 3x plus 2y आपका, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 80, और y बराबर कितना हो जाएगा, शायद यहाँ ऑप्शन में देखें, x y 2 एक्स वाई टू बराबर हो जाएगा 100, एक्स टू प्लस टू वाई 100 ग्राम हो जाएगा, और 3x प्लस 2y, और जब उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी माय मिस्टेक ना, तभी मैं सोचूं क्या गड़बड़ है, ये हो जाएगा 100, 2x प्लस, अच्छा एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ है, एक्स प्लस 2y 100 दिया हुआ है और 3x plus 2y 180 दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये मेरा ऑप्शन होगा 40 और 30। चलो समझ में बेटा सबको, देखो ओवरऑल अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो उसने क्या बोला, एक्स वाई टू कंबाइन करके एक्स वाई टू बना रहा है, ठीक है, लेकिन इसके 0.1 मोल ऑफ एक्स वाई टू का वेट दिया हुआ 10 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ एक्स वाई टू का वेट कितना होगा, 10/0.1 मतलब 100 ग्राम, 1 मोल ऑफ एक्स वाई टू का मतलब सिंपल सा बात, उसने मॉलिक्यूलर वेट ही दिया हुआ, तो क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे नहीं लिख सकता, x plus 2y at एक एटॉमिक वेट ऑफ x into 2 into एटॉमिक वेट ऑफ y, यही तो 100 ग्राम देगा। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन ही करा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल काम कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा बेटा, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In an experiment,
6.67 gram of AlCl3 was produced and 0.54 gram of Al remains unreacted when how many gram atoms of Al and Cl2 were taken originally? ठीक है, question number 30. question number 30 क्या बोल रहा है? Al twice of Al plus 3Cl2 tends to give twice of AlCl3. ये balance chemical reaction आपको हमेशा बोला है stoichiometric apply करने से पहले उसको balance करिए. बोल क्या 6.67 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था, 6.67 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर इसके मोल्स निकालूं तो ये आ जाएगा 133.5, ये आ जाता है 0.05. ये कितना आएगा? 0.05. तो आपसे बोला ओरिजिनली मोल्स कितने लिए गए थे, तो ओरिजिनली मोल्स इसके कितने होंगे? 0.15, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 0.05. ये इतना पार्ट रिएक्ट किया होगा, प्लस बचा कितना था उसके पास? बचा है उसके पास 0.54, क्योंकि यहां से जब ये निकालोगे तो ये जो मोल आएगा, दिस इज द नॉट टोटल मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, दिस इज द दैट मोल की जो रिएक्ट किया, क्योंकि देखो दिस इज नॉट लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट आपका Cl2 है, इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट होगा, ये बचेगा आपके सॉल्यूशन. तो 0.54 डिवाइडेड बाय 27 दैट्स समथिंग बाय 0.02, तो दैट 0.07. तो आपके पास एल्युमिनियम का कितना ओरिजिनल लिएगा? 0.07 और 0.15. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 31 की बात करूं, 31 और भी आसान है. 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए गैसेस मिक्सचर कंटेन एंड O2 एंड N2, ठीक है, रेशियो 1:4 दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो क्या मैं मोल्स ऑफ O2 into Na कर सकता हूं और मोल्स ऑफ N2 into Na कर सकता हूं? Na Na क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो वेट ऑफ O2 by 32 into 28 by वेट ऑफ नाइट्रोजन. तो वेट ऑफ O2 और N2 का रेशियो उसने 1:24 दिया हुआ, 7:32, तो ये कितना हो जाएगा? 7:32. आई होप सो ये क्वेश्चन को कर लिया, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है. क्या बोला 32 नंबर? द मिनरल रूटाइल इज एन ऑक्साइड ऑफ टाइटेनियम कंटेनिंग 39.95% ऑक्सीजन एंड इज आइसोमोर्फस विद कैस्टरीन. आइसोमोर्फस मतलब सेम फार्मूला, तो SnO2 है तो TiO2 होगा वो, इसका मतलब ही आइसोमोर्फस मतलब सेम फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर. तो SnO2 है तो टाइटेनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? TiO2, ठीक है. अब क्या बोला? द एटॉमिक वेट ऑफ टाइटेनियम कितना होगा? देख क्वेश्चन तो ये आसान था, अगर जो बनाना चाहेगा वो बना सकता था, ठीक है, बट थोड़ा सा इसमें क्या था? दिमाग लगाना था, ठीक है. दिमाग क्या लगाना था? देखो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो अगर मैं इसमें टाइटेनियम का वेट मुझे नहीं पता, लेट x plus 32 ग्राम में इसका टोटल वॉल्यूम मॉलिक्यूलर वेट मानता हूं, तो मुझे पता है x plus 32 ग्राम ऑफ TiO2 कितना ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है? 32 ग्राम O2 कंटेन कर रहा है. कितना O2 कंटेन कर रहा है? 32 ग्राम O2 कंटेन कर रहा है. तो 1 ग्राम TiO2 कितना कंटेन करेगा? 1 ग्राम TiO2 कंटेन करेगा मेरा 32 बाय x plus 32 by x plus 32 contain करेगा, तो यही 100 ग्राम कितना contain करेगा? तो 32 by x plus 32 से मैं क्या कर दूंगा? Multiply कर दूंगा. अब आप बोलो सर 100 ग्राम क्यों multiply किया? भैया आपको कोई भी चीज में देखो, इसमें ऑक्सीजन को उसने परसेंटेज कितना दिया हुआ है कि the mineral rutile contain 39.95% O2 दिया हुआ, मतलब टोटल उसने ओवरऑल इसका वेट कितना दिया होगा? 100 ग्राम. तो 100 ग्राम में मैंने ऑक्सीजन का ये वेट निकाला और ये किसके बराबर दिया हुआ? 39.95 के. तो यहां से जब आप निकाल लोगे तो x की वैल्यू जो आती है वो x की वैल्यू आ जाएगी 48.10. यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? 13.4 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ अनस्टेबल हाइड्रेटेड Na2SO4.XS2O, मतलब आप इनका अगर मोल रेशियो निकालोगे तो इसका मतलब ये फार्मूला रेशियो भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जिसमें उस सैंपल में 6.3 ग्राम वाटर है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, देखो आंसर तो 7 होगा, ये बहुत बार आपने देखा भी होगा, बट कोई बात नहीं. वेट ऑफ H2O कितना दिया हुआ? 6.3, ठीक है. तो मोल्स ऑफ H2O यहीं पे मैं निकाल के खत्म करता हूं, दैट इज 6.3 अपॉन 18, तो ये एग्जैक्टली वैल्यू आती है 0.35 आती है. कितनी आती है? 0.35. वेट ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट Na2SO4, सिर्फ Na2SO4 का वेट कितना होगा? 13. तो टोटल सैंपल का वेट जो था Na2SO4 का, वो टोटल सैंपल का वेट आ रहा है आपका 13.4 को सबट्रैक्ट करता हूं 6.3 से, वाटर से अगर मैंने टोटल सैंपल का सबट्रैक्ट कर दिया तो 7.1
एग्जैक्ट मेरे पास क्या आएगा, एनहाइड्रोसॉल्ट आएगा, क्या आएगा एनहाइड्रोसॉल्ट, मतलब वेट ऑफ Na2SO4 आपके पास सिर्फ Na2SO4 कितना होगा 7.1, तो मोल्स मोल्स इसके कितना हो जाएगा 7.1 डिवाइडेड बाय 42 मतलब 0.05, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेशियो ले लेता हूं अगर मैं Na2SO4 Na2SO4 इज टू वाटर का रेशियो तो 0.05 है, 0.35 है, तो ये रेशियो के सर 1:7 होता, 7 इज योर आंसर, मतलब वाटर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला, द सिंपलेस्ट फार्मूला द कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एक्स 50% एलिमेंट वाई कितना होगा, बहुत आसान है। 34 में क्वेश्चन करना है एक्स और वाई का रेशियो ले लो, 50 बाय ये कितना दिया होगा आपको 10, 50 बाय एटॉमिक वेट 10 है, 50 बाय 20 है, तो ये हो जाएगा एक्स 5 वाई 2.5, 2.5 को दोनों डिवाइड कर दो तो एक्स 2 वाई, ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा एक्स 2 वाई ऑप्शन सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 4% सल्फर इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ठीक है, 4% सल्फर दिया हुआ, लेट 32 डिवाइडेड बाय m इनटू 100, तो m बराबर कितना हो जाएगा 800 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया, चलो वेरी गुड, सेम क्वेश्चन था हमने किया हुआ था। ठीक है, 36 भी सेम क्वेश्चन है, बोला है Na2SO4 50% बाय मास वाटर है, तो कुछ नहीं रेशियो ले लो, हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो रेशियो लो, Na2SO4 is to SO3 है क्या, Na2SO3 is to water। ठीक है, तो ये 50 दिया, 50 by 18 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 by इस, इनके मोल रेशियो इनका फॉर्मूला रेशियो होता है बेटा याद रखना, तो ये हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा 120, मतलब ये आंसर होगा 1:7 होगा, कितना होगा 1:7 अगेन, तो ये क्या होगा फार्मूला Na2SO3.7H2O। ठीक है, 37 नंबर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है उसको ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है, जिसने मेरे लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होंगे वो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, देखो क्या होता है, एक बात याद रखना, अगर किसी मिक्सचर में Na2CO3 है और NaHCO3 है, तो आपको याद है मैंने क्या बताया था कि ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट का हीटिंग का इफेक्ट होता है, बट ग्रुप 1 के कार्बोनेट पे हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये हीट करेगा तो नो रिएक्शन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको हीट करिएगा मतलब सॉरी NaHCO3 को हीट करिएगा तो आपको क्या देगा, ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये आपको मिलेगा। आप टोटल वेट में इसमें से रिएक्ट कितना कर रहा है, इसमें से आपका रिएक्ट कर रहा है टोटल वेट में से इसका जो रिएक्ट कर रहा है आपका, हाँ ठीक है, इसमें से आपके पास 1.68 ग्राम था, इसमें से अब यहाँ पे बचा कितना Na2CO3 आपके पास इनिशियली कितना बचा था, इनिशियली आपके पास बचा 10 टोटल था, 1.68 ग्राम रिएक्ट करेगा तो 8.32 यहाँ बचेगा, बट दिस इज नॉट द टोटल वेट ऑफ रेसिड्यू, देखो इसमें एक ऑप्शन 8.32 दिया होगा, बच्चा क्या करेगा भैया सिर्फ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट टिक मारेगा इसको, ठीक है, तो ये भी गलत है। 1.68 को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मोल्स में, तो 84 से डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा 0.02, तो अगर ये 0.02 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 0.02 मतलब 0.01, ये मेरे पास इससे क्या आ जाएंगे मोल्स, तो व्हाट इज द वेट, मतलब जो Na2CO3 फॉर्म होगा, वेट जो फॉर्म होगा 0.01 × 106 मतलब 1.06 ग्राम। ठीक है, 1.06 ग्राम, पहले आपके पास ऑलरेडी कितना था 8.32, इसमें 1.06 ग्राम फॉर्म होगा, तो ये जो आंसर होगा ये जो आंसर होना चाहिए आपका 9.38, देखो 1.68 है, हाँ 9.38 आंसर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बचा हुआ पहले से था और ये बचा हुआ फॉर्म होता, दिस इज द वेट ऑफ रेसिड्यू टोटल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा सर याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्लास रूम का क्वेश्चन है, फिर से बकवास क्वेश्चन है, उसको डिस्कस नहीं करने वाला मैं, जब अगर फिर भी डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, 39 नंबर ऑप्शन 38 का 4 होगा, 39 नंबर वेट ऑफ 1:10^22 मॉलिक्यूल ऑफ CO4.5H2O। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट पहले मैं निकाल लेता हूं CO4.5H2O का,
तो ये जो आता है CaSO4.5H2O का मॉलिक्यूल का वेट आता है 249 ग्राम। कितना आता है 249 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होगा 6 × 10⁰³ मॉलिक्यूल का वेट है 249 ग्राम। तो वन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा 249 बाय 6 × 10⁰³। तो 10⁰² मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा मेरा, जल्दी बोलो बच्चों, 249 बाय 6 × 10⁰³ × 10⁰². तो 249 बाय 60, तो एप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आती है ये आती है 4.15 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर मैं बात करूं, 40 क्या बोल रहा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 विल बी लिबरेटेड बाय 1 मोल ऑफ CrO5। ठीक है, CrO5 को पहले हमेशा क्या करिए, बैलेंस करिए, क्योंकि अनबैलेंस रिएक्शन CrO5 प्लस H2SO4 ये आपको क्या देगा, Cr2SO4 थ्राइस प्लस SO4 थ्राइस प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस H2O प्लस O2। तो मैं डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन लिखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको आता होगा बैलेंसिंग रिएक्शन 2, 3, 1, 6, 11। तो 2 मोल 11 O2 प्रोड्यूस कर रहा, तो 1 मोल कितना करेगा 11 बाय 2, तो दैट्स द पार्ट 5.5। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस आंसर है इसका। ठीक है, 41 में क्या होगा, कंसीडर द आयनाइजेशन ऑफ H2SO4। H2SO4 इस तरीके से टूटता है H3O+ को, मतलब देखो H2SO4 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एच प्लस प्लस SO4 3-। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं थी। ये क्या था कि H3O+ को हम H+ भी लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला, टोटल आयन फर्निश्ड बाय, तो देखो मोलरिटी और एन बाय वी आपको पता होता है, मोलरिटी आपको 0.1 दिया था, मोल्स आपको निकालना था, वॉल्यूम कितना है 0.1, तो मोल्स कितना हो जाएंगे 0.01। तो ये अगर 0.01 है तो ये कितना मोल्स होगा, 2 × 0.01 और 0.01, तो टोटल मोल्स आपके पास कितने हुए, टोटल मोल्स आपके पास हुए है 0.03। तो टोटल आयंस आपके पास कितने होंगे, टोटल आयंस करने के लिए आपको क्या करना है, 0.03 को N से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.18 × 10⁰³, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 42 क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज रेस्ट्रिक्टेड बाय टू कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब क्या, तो एक कंपाउंड को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे का रेशियो क्या करते थे, चेंज करते थे, कंपाउंड को कौन और मतलब एलिमेंट हम चेंज नहीं करते थे, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटाश ये भी गलत, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड करेक्ट है, क्योंकि 1:2 या 1:3 या 2:3 का रेशियो होना चाहिए जो इसमें दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 43 ऑल द सब्सटेंस लिस्टेड बिलो द फर्टिलाइजर्स दैट कंट्रीब्यूट नाइट्रोजन टू द सॉइल व्हिच ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एज अ मास परसेंट। देखो मास परसेंटेज हम कैसे निकालते थे, किस एलिमेंट का मास ऊपर रखते थे और नीचे डिवाइड करते थे टोटल मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपको सब में चेक करना पड़ेगा कि किस में नाइट्रोजन का टोटल वेट आ रहा था, बट मुझे जहां तक दिखता है सब में से सबसे ज्यादा आएगा डी में। पूछो क्यों, देखो टोटल वेट है अमोनिया का 17 और उसमें 14 ग्राम तो किसका वेट है, नाइट्रोजन का, ऑब्वियस बात है सबसे ज्यादा कंटेंट नाइट्रोजन का किस में होगा, NH3 में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 44 में क्या है, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स हैज 0.444 देगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स मतलब एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, 1 मोल ऑफ एलिमेंट एक्स मतलब एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज 0.044 टाइम एटॉमिक वेट ऑफ वाई, ये रिलेशन दिया हुआ है, बट उसने क्या दिया भाई, दोनों तो दिया हुआ है लेकिन एक चीज दिया हुआ कि एक एटम ऑफ एलिमेंट एक्स का जो वेट है वो 2.96 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो अगर मैं बात करूं एटम ऑफ एक्स कितना है 2.96 इनटू वन एटम ऑफ कार्बन मतलब 12 × 6 × 10⁰³, ये मेरा एक एटम का वेट है। अगर मैं इसको 6 × 10⁰³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, अब ये किसके बराबर, अगर ये जो आ जाएगा, ये जो आंसर आता है मेरा, ये अप्रोक्सीमेटली आता है, एक मिनट इसको कैलकुलेट किया था मैंने, ये जो आता है मुझे, ये आता है 35.52। कितना आता है 35.52,
तो इसका मतलब एटॉमिक वेट ऑफ वाई किसके बराबर हो जाएगा, और 0.435.52 क्या कर दूंगा मैं, 0.444 क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको जो आंसर आएगा, वो आंसर जो आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली, एक मिनट होल्ड करना, जस्ट ये जो आंसर आएगा ये कहीं कैलकुलेट किया था मैंने, दिस इज द 44, ए ऑप्शन है राइट, इट इज द करेक्ट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 44, हाँ राइट। 45 क्या बोल रहा है, अ गिवन मोल ऑफ प्योर सैंपल कंटेन जेड एन, इतना 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 दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं, सबका क्या करना है आपको, मोल का रेशियो लेना है, वही इसको फॉर्मूला रेशियो होता है, सेम कांसेप्ट, 9.8 डिवाइडेड बाय 65, और ये कितना मोल्स आएगा, 1.8 डिवाइडेड इनटू 10 रे टू 23 को 6 इनटू 10 रे टू 10 देते हैं, मतलब तो 0.3 हो जाएगा, ये नंबर, ये मोल्स हो जाएंगे, और 0.6 मोल्स इसके दिए हुए हैं, तो ये जो हो जाएगा जेड एन 0.15 CR 0.3 और O 0.6। ठीक है, तो 0.15 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा ZN CR2O7, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो फिर भी किसी बच्चों को लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत है तो वो पर्सनली मेरे से पूछ सकता है, उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए हमारा शायद हमारा टॉपिक और ये सब चीज़ खत्म हो चुका है, फिर भी मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इनके साथ कुछ भी डाउट्स हो प्लीज़ 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 आप पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।